देश भर में हर तरफ इस वक्त एक ही नाम चर्चा में छाया हुआ है, वो नाम है एसडीएम ज्योति मौर्य का। लोगों में चर्चा है कि ज्योति मौर्य ने एसडीएम का पद और रुतबा मिलने के बाद पति आलोक कुमार को छोड़ दिया। खैर, सच्चाई जो भी होगी कुछ दिनों बाद सामने आ ही जाएगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर एसडीएम की पावर क्या होती है, इस पद पर कितनी सैलरी मिलती है और इस पद पर क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो एक प्रशासनिक पद है, वैसे तो आपको पता होगा कि जिलाधिकारी यानी डीएम किसी भी जिले का सबसे पावरफुल अफसर होता है। इसके बाद अगर कोई पावर में होता है तो वो है एसडीएम। एसडीएम का चयन यूपीएससी सिविल परीक्षा के तहत होता है। हर राज्य का एक आयोग होता है जो सिविल परीक्षा का आयोजन करता है। यूपी में राज्य स्तरीय परीक्षाएं यूपीएससी करवाता है। ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा परीक्षा में बैठा जा सकता है। जिलों में तैनात एसडीएम जिलाधिकारी को रिपोर्ट करते हैं, ये अपने डिवीजन के काम पर नजर रखते हैं, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी इनके ही कंधों पर होती है। अब पावर तो आपने जान ही ली, लेकिन क्या आपको पता है कि एक एसडीएम की सैलरी कितनी होती है? एसडीएम अफसर को पे बैंड 9300 34800 में ग्रेड पे 5400 के साथ सैलरी मिलती है। इनकी सैलरी 56100 रुपए से शुरू होती है, साथ ही कई भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके अलावा आवास, सुरक्षा गार्ड और नौकर आदि की व्यवस्था भी इनके पास रहती है। इतना ही नहीं, इनके टेलीफोन और बिजली का बिल भी सरकार की तरफ से ही भरा जाता है। राज्य भर में यात्राओं के दौरान उच्च श्रेणी आवास सुविधा, हायर स्टडी के लिए अवकाश और पेंशन की सुविधा भी इन्हें मिलती है।